Am I audible? यस चलिए सो स्टार्ट करते हैं नाउ. सो मोटिवेशन, मोटिवेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोटिवेशन हर किसी को चाहिए. आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं देन यू नीड मोटिवेशन. विदाउट मोटिवेशन आपको काम आपसे इंप्लीमेंट नहीं होता है. क्लियर? सपने हर कोई देखते हैं, हर कोई को अपने सपनों को पूरा करने का प्लानिंग भी करते हैं, बट उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए. हर किसी का सपना होता है, बॉयज में स्पेशली सिक्स पैक होना चाहिए. सिक्स पैक कैसे होगा? सुबह 6 बजे उठेंगे, जिम जाएंगे, 2 घंटे जिम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सिक्स पैक बन जाएगा. होता कितने लोगों का? ठीक है, ना के बराबर, बहुत कम लोगों का हो पाता है. क्लियर? सो कहाँ से लाइएगा आप ये मोटिवेशन? ठीक है, उसी तरह पढ़ने का सपना बहुत लोगों का होता है. लोग प्लानिंग भी करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, एग्जाम निकल जाएगा, सुनने में अच्छा लगता है, अगले दिन पढ़ना शुरू करते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, खत्म हो जाता है मोटिवेशन. उसके बाद फिर से आप वहीं जीरो पे आ जाते हैं. क्लियर? सो दिस इज द प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है. ऐसा मत सोचिए कि जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं दे हैव नॉट गॉन थ्रू दिस पाथ. उनके लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आया, ऐसा मत सोचिए. जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उनके लाइफ में भी ये सिचुएशन आया था. वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए थे और इससे निकल गए, और निकल गए तभी वो सक्सेसफुल हो गए. दिस इज द पॉइंट. सिचुएशन सबके लाइफ में आता है, बट कुछ लोग इसको हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं हैंडल कर पाते. जो नहीं हैंडल कर पाते हैं वहीं रुक जाते हैं, जो हैंडल कर लेते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं. तो आज हम आपको बताएंगे कि डीमोटिवेशन होता क्यों है, डीमोटिवेट आदमी होता क्यों है, और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देगा. सो दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, देयर आर सम अनाउंसमेंट. प्राइस हाइक एक्सटेंडेड टू जून 8 एट 11:59 PM. सो से पहले आप लोग ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, दैट विल बी बेटर. सो इससे पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. नाउ नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर गेट एंड ईएससी ड्रीम. गेट स्टार्टेड विद 0% ईएमआई. सो ईएमआई पे भी अब सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है, तो आप लोग इसका भी एडवांटेज ले सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ 1-to-1 लाइव मेंटरशिप विद योर अनअकैडमी गेट एंड ईएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलता है, तो इसका भी आप लोग एडवांटेज ले सकते हैं. गेट एंड ईएससी कॉम्बैट, ठीक है, कब होने वाला है डेट? June 5th 11 AM. June 5th 11 AM पे गेट अनअकैडमी कॉम्बैट में आइए. यू कैन यूज माई कोड विवेक गुप्ता 10 टू एनरोल. डेली स्कॉलरशिप टेस्ट. सो स्कॉलरशिप टेस्ट का ये डिटेल्स है, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं. प्रैक्टिस फॉर गेट एंड ईएससी विद अनअकैडमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अनअकैडमी का अवेलेबल हो गया है, सो उससे आप लोग यूज कर सकते हैं. कम्युनिटी फीचर्स फॉर एंड्रॉयड. एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर वाले के लिए कम्युनिटी फीचर्स अवेलेबल है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. काफी बड़ा कम्युनिटी बन गया है वो अनअकैडमी पे, उसको आप लोग यूज कीजिए. नाउ अब हम लोग फर्दर आगे चलते हैं. चले हम लोग आगे. सो नाउ सी, सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, इजंट इट? सो मोटिवेशन कैसे आएगा? सबसे पहले ये जानिए, क्या आप ही को केवल मोटिवेशन का जरूरत है? जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग बहुत खुश दिखते हैं, जो लोग बहुत एनर्जेटिक दिखते हैं, क्या उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? उनको भी जरूरत है. हर आदमी के लाइफ में अलग अलग
फेज में डीमोटिवेशन आता है, हर के लाइफ में अलग अलग डीमोटिवेशन का फेज आता है। सब सेम ही टाइम में डीमोटिवेटेड हो कोई जरूरी नहीं है। कोई टेंथ में डीमोटिवेट होता है, कोई इलेवेंथ में होता है, कोई ट्वेल्थ में होता है, कोई ग्रेजुएशन में होता है, कोई जॉब में डीमोटिवेटेड हो जाता है, पूरा लाइफ एकेडमिक करियर अच्छा होता है, जॉब में डीमोटिवेट होता है, कोई जॉब में भी आने के बाद 10 साल 15 साल के बाद डीमोटिवेटेड होता है, प्रमोशन उसको सही से नहीं दिया जाता है, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। सो डीमोटिवेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि सब कोई फेस करता है, हर कोई फेस करता है, क्लियर। किसी का डीमोटिवेशन का पीरियड कम होता है, किसी का डीमोटिवेशन का पीरियड ज़्यादा होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि वो आदमी डीमोटिवेशन को हैंडल करना कितने अच्छे से जानता है। अगर वो डीमोटिवेशन को हैंडल करना जानता है अच्छे से, देन वो जल्दी निकल जाएगा, और अगर डीमोटिवेशन को हैंडल करना नहीं जानता है तो वो नहीं निकल पाता है, उसी में ट्रैप्ड रहता है, काम छूट जाता है, फिर कोई दूसरा काम करता है, फिर उसमें डीमोटिवेटेड होता है। एक कॉम्पिटिशन से आप डीमोटिवेट हुए, अगर आप डीमोटिवेट से मोटिवेट होना नहीं जानते तो दूसरा कॉम्पिटिशन का भी प्रिपरेशन कीजिएगा, वहां भी आपको यही प्रॉब्लम होगा। सो प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ऑफ डीमोटिवेशन इज नॉट विद सीट्स ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इन सब पे डीमोटिवेशन डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। डीमोटिवेशन इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, हम लोगों का इंटरनल प्रॉब्लम है, ये अपना माइंड सेट है हम लोगों का, क्लियर। हम लोग बोलते हैं अरे एग्जाम में कम सीट हो गया इसलिए हम डीमोटिवेट हो गए, ठीक है, ठीक है, उन सब चीज का असर पड़ता है, लेकिन उसी एग्जाम में सीट कम होने से बहुत लोग डीमोटिवेट नहीं हुए, बहुत लोग डीमोटिवेट हो गए, क्लियर। सो डीमोटिवेशन जो होता है दैट इज नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर, वो अपना ही अंदर अपना माइंडसेट आपको डीमोटिवेट करता है। तो कैसे अब इस चीज को आप डील कीजिएगा, सो दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो मोटिवेशन अब लाइएगा कहां से, ठीक है। सो देखिए बहुत सिंपल, फर्स्ट इंटरेस्ट, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है केवल वही काम कीजिए, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है केवल वही काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में डीमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। जिस चीज में केवल इंटरेस्ट है केवल वही काम कीजिए, इज इट पॉसिबल, नहीं। लाइफ में बहुत बार बहुत चीजें जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो भी करना पड़ता है, क्लियर। सो ये पॉसिबल नहीं है कि आप केवल इंटरेस्ट का ही काम कीजिए। ये कर सकते हैं कि अपना ज्यादा एनर्जी ज्यादा टाइम आप इंटरेस्ट वाला काम कीजिए, लेकिन कुछ चीजें रिक्वायर्ड अगर है तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तब भी वो काम आपको करना पड़ेगा, बट आपका मेन काम जो होना चाहिए उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्लियर, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, वो शायद पढ़ाई अगर करते तो शायद इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाते जितना अच्छा उन्होंने क्रिकेट में किया, इजंट इट। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुन लिया, क्लियर, उन्होंने अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुन लिया। अब वो टीनेज में ही उनको समझ में आ गया था कि हमको इस चीज में इंटरेस्ट है, और हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है। कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, इजंट इट, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि किस चीज में आपको इंटरेस्ट है। बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो काम आपको थकाता नहीं है, ठीक है, जो काम आपको थकाता नहीं है, जिस काम को करने से पहले आपको अपना भूख अपना नींद ये सब याद नहीं आता, ठीक है, वही आपका इंटरेस्ट, दिस इज द वे। अब आप देख लीजिए कि आप अपने लाइफ में कौन सा काम करने में ये चीजें आपको नहीं आती, क्लियर, तो वो चीज आपका इंटरेस्ट है। अब वो इंटरेस्ट तो कहिएगा सर हमको तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने में ये काम नहीं होता, क्लियर। तो बहुत चीजें ऐसी भी इंटरेस्ट की होती हैं जो कि आपके करियर को नहीं बनाती है, ठीक है, करियर को नहीं बनाती है, तो वो वाला इंटरेस्ट की तरफ मत देखिए, ठीक है, उस इंटरेस्ट की तरफ मत देखिए, उन चीजों को इंटरेस्ट की तरफ देखिए जिन चीजों से करियर बनता है। नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने से करियर नहीं बनता है, क्लियर,
नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने से करियर नहीं बनता है, तो करियर जिस चीजों से बनता है उन चीजों में आपका किस में इंटरेस्ट है वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीजें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हम क्या ऐसा करते हैं जो कि प्रोडक्टिव है, जिससे सोसाइटी को फायदा होता है, तो वो चीज आपका करियर धीरे 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 बनाएगा। क्लियर? बहुत लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिजनेस में बहुत मन लगता है। ठीक है, बिजनेस करने में बहुत मन लगता है, पॉलिटिक्स करने में बहुत मन लगता है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सब भी करियर है। ठीक है, वो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं किए लेकिन बिजनेस में बहुत अच्छा कर लिए, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर लिए, सो दैट इज ऑल्सो करियर, वो भी क्या है, करियर है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपको इरिटेट करता है और क्या आपको पूरी तरह इन्वॉल्व कर लेता है। और कैसे पता करिएगा? सिंपल है, अगर आप थक जा रहे हो वो काम करके तो इसका मतलब है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप याद कीजिए बचपन में जब हम लोग खेलने जाते थे ग्राउंड में, कितना तेज धूप होता था, ना पानी पीते थे ना धूप देखते थे और खेलते रहते, कितना वो इंटरेस्ट दिखाता है, इज़न्ट इट? और पढ़ने में एसी रूम में भी बैठा के पढ़ाने के लिए बैठ दीजिए, थोड़ा सा खाने जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी पीने जा रहे हैं, यही सब बार बार याद आता है। अच्छा पानी पी लेंगे उसके बाद अब अच्छे से पढ़ेंगे, पानी पी के आते, अच्छा थोड़ा सा खाना खा लेते उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्लियर? और पढ़ते नहीं थे, क्लियर? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा चीज है जिसमें कि आपको रियली इंटरेस्ट है, और वो जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा आप उस डायरेक्शन में अगर बढ़िएगा देन दैट विल बी बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आया समझ में? ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये सिंपलेस्ट वे, ये सिंपलेस्ट वे है एंड दिस इज मोस्ट इफेक्टिव वे कि अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिएगा ना, आपको किसी के पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पुश का जरूरत नहीं है, सहारा का कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से सब कुछ करते जाइएगा अगर आप इंटरेस्ट के फील्ड में हैं तो। सो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, मोटिवेशन कहाँ से आता है? कमेंट्स लिख के बताते रहिएगा। ठीक है, कुछ पूछना होगा, कोई प्रॉब्लम आपका है जो नहीं समझ में आया, लिखते रहिए बताते रहिए, लेकिन उसको भी हम टेक केयर करेंगे। क्लियर? सेकेंड, इंटरेस्ट के बाद बेनिफिट्स। कुछ लोगों इंटरेस्ट के बेसिस पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं होता है कि उनको क्या में इंटरेस्ट है क्या में इंटरेस्ट नहीं है, किसमें बेनिफिट ज्यादा है वो काम वो लोग करते हैं। ठीक है, बहुत आराम से करते हैं। क्लियर? उनको कोई मतलब नहीं होता है। ये डिफरेंट पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन। ठीक है, हर आदमी अलग है और हर आदमी यूनिक है। ठीक है, सबका पर्सनैलिटी अलग है, तो कुछ लोग इंटरेस्ट के क्रॉस्पॉन्डिंग काम करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट के क्रॉस्पॉन्डिंग काम ही नहीं करते, उनको बेनिफिट से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको ये मतलब है कि उस काम को करने के बाद उनको पैसे कितने मिल रहे हैं। ठीक है, उस काम को करने के बाद उनको फैसिलिटीज क्या मिल रही है, उस काम को करने के बाद उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, वो लोग बस यही देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिट्स देख के काम करते हैं। सो उनके लिए मोटिवेशन इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए मोटिवेशन पर्क्स है, पैसा है, स्टेटस है। बहुत लोग, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बेनिफिट्स के लिए काम करता है। ठीक है, इंटरेस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप यही सोच लीजिए, नौकरी करता हुआ कितना बड़ा ग्रुप है दुनिया में जो कि नौकरी करता है, और वो लोग थके हुए होते हैं, परेशान रहते हैं, मन नहीं करता है नौकरी करने का, फिर भी नौकरी करते हैं। क्यों? दो रीजन, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा सैलरी। जो उनको सैलरी मिल रहा है वो बेनिफिट्स है। ठीक है, उस काम को करने के बाद उनको वो बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट को वो नहीं छोड़ पाते। ठीक है, उस बेनिफिट को वो नहीं छोड़ पाते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है तो अब फैमिली हो गया है तो अब वो छोड़ नहीं सकते। इज इट क्लियर? सो जिसकी वजह से वो लोग नौकरी करते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फिर भी वो लोग नौकरी करते रहते हैं, कुछ अपने सपनों को पूरा नहीं करते हैं। सो ये प्रॉब्लम आती है लोगों में। तो बेनिफिट्स एक ऐसा चीज है ना जिससे कि बहुत बड़ी कम्युनिटी को से काम लिया जा सकता है, बहुत बड़ी कम्युनिटी से काम लिया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ में आया?
तो बेनिफिट दीजिए उनको और उनसे काम लीजिए, बेनिफिट दीजिए और उनसे काम लीजिए, दैट इज द वे, ठीक है। और वो लोग उस बेनिफिट से ही मोटिवेटेड रहते हैं और काम करते रहते हैं, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। तो ये एक तरीका है, तो पहला हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हो गया बेनिफिट, ठीक है। थर्ड, बी इनर्ट टू नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता, उनके लिए नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। वो लोग कांस्टेंट टाइप की पर्सनालिटी ही होती है, ठीक है, कांस्टेंट टाइप की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी ऐसा भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे ये इनर्ट वाले कैटेगरी में, उनको कोई अंदर नहीं पड़ता है, ठीक है, ये काम करा लो, ये काम करा लो, ये काम करा लो, कोई भी काम करा लो, मेरे लिए सब काम काम है, बस काम काम है, करते जाते हैं। उनसे हाइड्रोलॉजी पढ़वा लो, उनसे स्ट्रक्चर पढ़ा लो, उनसे आरसीजी पढ़वा लो, कुछ भी उनसे पढ़ लो, ठीक है, उनके लिए सब काम, ठीक है। तो उनको हाइड्रोलॉजी पढ़ने में भी उतना ही मन लगता है, स्ट्रक्चर पढ़ने में भी उतना ही लगता है, आरसीसी भी पढ़ने में उतना ही लगता है, सॉइल भी पढ़ने में उतना ही उनको मन लगता है, ठीक है। सो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो मोटिवेशन हो गया, इससे कम क्वेश्चन आ रहा है तो डीमोटिवेट हो गया, ठीक है, ये उनके लिए इनमटीरियल है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, जो कि इनर्ट होते हैं नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों से कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम तो ना पहले में आ रहे हैं, ना दूसरे में आ रहे हैं, ना तीसरे में भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हम तो इन तीनों में से कहीं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर, हम तो इन तीनों में से कहीं भी नहीं आ रहे हैं, ना हमको अपना इंटरेस्ट पता चल रहा है, ना कोई बेनिफिट्स हमको मोटिवेट कर पा रहा है, और नेगेटिव थॉट हमें आता है तो हम थर्ड कैटेगरी में भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हैं ऐसे लोग हैं बताइए, क्लास में ऐसे लोग हैं मैसेज कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऐसे लोग हैं, ठीक है। Now, जो इन तीनों कैटेगरी में से कहीं भी नहीं आ रहे हैं, उन लोगों के लिए फोर्थ पॉइंट, चेंज योर मदरबोर्ड, पूरा अपना आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब, ध्यान से सुनिए, मदरबोर्ड चेंज करने का क्या मतलब होता है, आपको अपने पर्सनालिटी पे ही वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने पर्सनालिटी पे ही वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। अगर आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको कोई चीज में इंटरेस्ट ऐसा है ही नहीं, ठीक है, देन आपको बेनिफिट अट्रैक्ट कर नहीं रहा है, ठीक है, प्लस आप हर चीजों में नेगेटिव अपने आप माइंड में आ जाता है, ठीक है, तो आपको अपना मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, पूरा थॉट प्रोसेस, आपको अपने पर्सनालिटी पे बहुत डीप जाके वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनालिटी पे डायरेक्ट हिट कीजिए, डायरेक्ट अपने पर्सनालिटी के पार्ट पे हिट कीजिए। आप कहिएगा सर पर्सनालिटी पे हिट करने का क्या तरीका होता है, ठीक है, पर्सनालिटी पे हिट करने का क्या वे होता है, ठीक है, पर्सनालिटी पे हिट करने का क्या वे होता है। तो देखिए, पर्सनालिटी पे हिट करने का तीन ही तरीका है, आपकी पूरी पर्सनालिटी आपके माइंड से गाइडेड है, पूरी पर्सनालिटी आपके माइंड से गाइडेड है, पूरा का पूरा पर्सनालिटी। तो इस माइंड को कैसे ट्रैक पे लाना है,
ठीक है, वही आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इस माइंड को ट्रैक पे ले आइएगा ना, तो कोई भी चीज होगा, कोई भी सिचुएशन होगा, उसमें जो आपका माइंड सोचेगा वो फिर गलत तरीके से सोचेगा ही नहीं, वो सही ही सोचेगा। ठीक है, वही चीज वो सोचना शुरू कर देता है जो उसको चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमको अब बैठ के रोना चाहिए, डीमोटिवेट होना चाहिए, या इजी सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए, या फिर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो थ्योरी बना लेना चाहिए, या फिर कहीं घूमने चले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका माइंड आपको सिग्नल देता है। क्लियर? आपका माइंड उस समय आपको सही सिग्नल दे, इसके लिए आपको अपने माइंड पे ही वर्क करना पड़ेगा। माइंड पे वर्क करने का तीन तरीका है, ठीक है, तीन तरीका है जिसे लोग माइंड पे वर्क करते हैं, और उससे माइंड को ही अपने एक क्रॉस्पॉन्डिंग, अपने ड्रीम के क्रॉस्पॉन्डिंग उसको ट्रैक पे लाते हैं, और फिर उनका माइंड उनको मोटिवेट करता है और वो फिर आगे चलते चले जाते हैं। ये तरीका है। आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे होंगे जो बचपन में एकदम से नॉर्मल थे, और उसके बाद वो लोग बहुत कुछ करने लगे, बहुत कुछ करने लगे। ठीक है, तो वो लोग कैसे करने लगते हैं, उनको ना इंटरेस्ट पता चलता है, ना बेनिफिट समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, जैसे एक मूवी थी ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा, ठीक है, वो मूवी जिसमें ऋतिक रोशन, वो लक्ष्य, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य मूवी। सो लक्ष्य में दिखाया है ना कि ऋतिक रोशन कितना सिंपल सा आदमी था, उसको कोई क्लैरिटी नहीं था कि उसको क्या करना है, नहीं करना है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं था। ठीक है, वो आर्मी में गया भी, वहां से भाग के भी चलाया, फिर इंसल्ट हुआ, और फाइनली जब वो दोबारा गया तो उसकी पर्सनैलिटी को पूरा चेंज्ड दिखाया। क्लियर? तो वो कैसे चेंज आता है। क्लियर? सो वैसा ही चेंज आप लोगों को भी चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कितना भी पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए। पढ़ना तो है ही, लेकिन पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए तो दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके आपको टारगेटेड रिजल्ट देगा। क्लियर? तो आप कैसे कीजिएगा वो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? सो चेंज योर मदरबोर्ड। चेंज योर मदरबोर्ड कैसे चेंज करना है, सो देखिए, फर्स्ट वे एक्सरसाइज। आपको लगेगा सर पढ़ने का एक्सरसाइज से क्या मतलब है, ठीक है, पढ़ने का एक्सरसाइज से क्या मतलब है। अगर पढ़ने का एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है तो मोटिवेशन डीमोटिवेशन का पढ़ने से क्या मतलब है। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक है, तो आप में नेगेटिव थॉट्स अपने आप कम होने लगता है, धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्सियस हो जाते हैं, ये सब चीज़ें अपने आप होने लगेगी। ठीक है, करके देखिए, एक्सरसाइज में कुछ भी, रनिंग करना है रनिंग कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं एक्सरसाइज का मतलब, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सिक्स पैक बना लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब बस आपको डेली एक्सरसाइज करना है। तो ये एक तरीका है, दिस इज ईजिएस्ट वे, हम बता रहे हैं ये ईजिएस्ट वे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द इजिएस्ट वे। सेकेंड, योगा कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे भी बेनिफिट होता है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगेगा, और इस तरीके से अगर आप बढ़िएगा तो सुबह के 1 घंटे, मतलब जो भी आप टाइम रखिए, ठीक है, उस टाइम में आप बेसिकली अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि रिमेनिंग दिन भर आप पढ़ाई कर सकिए। समझ में आया? ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज, सेकेंड वन इज योगा और मेडिटेशन, एंड थर्ड वन इज बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, बुक रीडिंग से आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना है, कोई सा भी बुक पढ़ने का अगर आदत लगा लीजिएगा ना कि डेली हमको 10 पेजेस पढ़ना ही है, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन डेली उस टाइम में सिस्टम से पढ़िएगा ना, ये आपके लाइफ को बदल देगा। ठीक है, ये तीनों चीज लाइफ चेंजिंग है, ये उन लोगों के लिए है जो ऊपर के इस 3 कैटेगरी में नहीं आते, उन लोगों के लिए। तो जो लोग सोचते हैं ना
कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मेरा सपना बड़ा है, उनको अपने पर्सनालिटी पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते हैं, क्या करें, और कितना भी कुछ इधर उधर भटकते रहते हैं उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। एंड में सॉल्यूशन इसी में मिलेगा, अगर आप ये तीन में से कोई भी एक काम कर लिए ना तो आपका वो सारा प्रॉब्लम एक साथ खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप कहिएगा सर बहुत लोगों को तो इन सब का जरूरत नहीं पड़ता, हर आदमी इंडिविजुअल अलग अलग बना है, हर आदमी इंडिविजुअल अलग अलग बना हुआ है, कोई दो आदमी सेम नहीं है। तो अगर कोई दो आदमी सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सबका रिक्वायरमेंट अलग है, सबके पास अपॉर्चुनिटी अलग है, सबके पास रिसोर्स अलग है, तो सबको अपना अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप अपना देख लीजिए कि आप इस चार कैटेगरी में से किस में आ रहे हैं, क्लियर, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप अपना डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द वे, अगर ये चीज आपका आ गया, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली आपसे पढ़ाई होने लगेगा, आप फोकस्ड हो जाइएगा, आपसे कहीं कोई प्रॉब्लम होना सब प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। सर सिली मिस्टेक कर देते हैं, सबका प्रॉब्लम सर सॉल्यूशन है ये सब, सिली मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन के लिए मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन है ही नहीं, खत्म, आया समझ में। ठीक है, आप लोग बोलते हैं सर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, रिवीजन बोरिंग है, बोरिंग काम करने के लिए फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, फोकस्ड होने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन है ही नहीं, समझ में आया। ठीक है, तो जब तक मोटिवेशन नहीं होगा ना आपको कोई भी काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सो मोटिवेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तो आपको इस पे वर्क करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, दिन भर बुक लेके बैठे रहने से आप नहीं कर पाइएगा। अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिए एंड देन पढ़ाई कीजिए, देन पढ़ाई का आउटपुट मिलेगा, समझ में आया। पहले अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार कीजिए और तब पढ़ाई कीजिए, देन यू विल गेट मोर बेनिफिट्स। ठीक है, हाँ सौरभ, तीनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिए, जब एक फॉलो कीजिएगा ना तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और दूसरा कीजिएगा तो तीसरे के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सो इन दिस वे यू कैन प्रोसीड। तो आप ऐसे करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तीन में से कोई एक स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात। अरुण मिश्रा, सर मेरा डाउट, सर यूपीएससी एई इलेक्ट्रिकल में इतने मार्क्स, जनरल में इंटरव्यू के लिए चांस है क्या? यूपीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल, दिस इज द क्लास फॉर सिविल स्टूडेंट्स, तो हम कैसे आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बता सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, नाउ आप लोगों का जो डाउट्स है आप लोग पूछिए, हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों का जो डाउट्स है आप लोग पूछिए। एक बात याद रखिएगा, डिमोटिवेटेड हर कोई होता है। ठीक है, डिमोटिवेटेड हर कोई होता है, जिसको आप आज के डेट में सक्सेसफुल देख रहे हैं ना, जिस किसी को भी देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग डिमोटिवेटेड नहीं होता है, वो लोग भी होता है। ठीक है, समझ में आया, हर कोई डिमोटिवेट अलग अलग जगह पे और अलग अलग लोगों के सामने होता है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग टीचर के सामने डिमोटिवेट होकर अपना सारा दुख बताते हैं, क्लियर, समझ में आया। लेकिन आप जिसको देख रहे हैं, जिसको टीवी पे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ठीक है, लगता है अरे लोग कितना मोटिवेटेड रहता है, कितना एनर्जेटिक रहता है, वो लोग भी डीमोटिवेट होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के सामने डीमोटिवेट होता है, हर कोई डीमोटिवेट होता है। ठीक है, लेकिन वो लोग जानता है कि फाइनली ये चार में से कुछ भी एक करेंगे और उसके करके और फिर डीमोटिवेशन से हमको निकल जाना है। ठीक है, तो उनको पता है, तो वो लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, कुछ दिन में फिर खत्म हो जाता है डीमोटिवेशन। बताइए किसी का कोई डाउट, टनल और ब्रिज की, ठीक है, टनल और ब्रिज की अच्छी बुक कौन सी है? सर टनल और ब्रिज हम पढ़ाते नहीं है तो हमको आइडिया नहीं है डियर। डिस्ट्रक्शन कैसे अवॉइड करें सर?
बहुत होता है सर, इसके कारण सारा टाइम खराब हो जाता है। फोकस्ड कैसे बढ़ाएं? बहुत सिंपल है, मेडिटेशन का नाम सुने हैं? मेडिटेशन डिस्ट्रैक्शन को ही हटाने के लिए है ना। आदमी का माइंड जो इधर उधर भागता है, ठीक है, उसी को हटाने के लिए मेडिटेशन है ना। तो मेडिटेशन नहीं होता है तो कम से कम योगासन ही कर लीजिए, तो धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ जाइएगा। समझ में आया? ये सब करना पड़ता है, सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जिन लोगों को डिस्ट्रैक्शन, फोकस, ये सब का प्रॉब्लम होता है ना, वो लोग ये सब करते हैं तभी उन लोगों को सक्सेस मिलता है। और जो लोग नहीं करते हैं ना, बहुत तेज होने के बाद भी, इंटेलिजेंट होने के बाद भी चीजें अचीव नहीं कर पाते। समझ में आया? स्टडी पूरा होता है पर एग्जाम में प्रेशर से माइंड ब्लॉक हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है ये? ये प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है ना, आपका माइंड आपका साथ नहीं देता है। बेसिकली आपका माइंड आपका साथ नहीं देता है, सही टाइम पे माइंड साथ नहीं देता है। तो माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड पे कंट्रोल करने का यही सब वे है। ठीक है, हम बोले ना आप लोगों को यही सब प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे। हम जब अपने टाइम में प्रिपरेशन करते थे ना, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट किए थे, हमको उसी से बेनिफिट हुआ था। बुक रीडिंग हम नहीं कर पाए थे, योगा नहीं कर पाए थे, और एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे। एक्सरसाइज नॉमिनल करते थे, बस उठ के जंपिंग वगैरह ये सब थोड़ा बहुत कर लेते थे, अदरवाइज मेडिटेशन किए थे हम। सो मेडिटेशन से ही हमको फायदा हुआ था। बट टाइम नहीं मिल पाता है ना सर। सौरभ, आपके पास जितना टाइम है ना, उतना ही टाइम सबके पास है, ये बात तो वेल नोन है। ठीक है, वेल नोन है, हर कोई यही लॉजिक देता है जो हम दे रहे हैं और जो दूसरे भी देते हैं, सब लोग यही लॉजिक देता है। टाइम इज 24 आवर्स फॉर एवरीवन। इसी 24 आवर्स में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं और आपसे एक एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, यही 24 आवर्स में। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप को एफिशिएंट करने की ज़रूरत है ना। टाइम कम नहीं है, आपका एफिशिएंसी कम है। ठीक है, टाइम को दोष मत दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा ना, तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। टाइम को दोष दीजिएगा तो आप डेली घड़ी के वो तरफ देखिएगा कि घड़ी में प्रॉब्लम है। घड़ी में प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोगों में प्रॉब्लम होता है। देखिए, डेली कितने आवर्स पढ़ने चाहिए? 6 आवर्स से 10 आवर्स तो टोटल पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तभी कंपटीशन निकलता है। 6 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ता है मिनिमम। मेडिटेशन टेक्निक कहाँ से फॉलो करें? यूट्यूब पे देख लीजिए, हाउ टू मेडिटेट। सर, मैं ड्रॉपर हूँ और अपना पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई को देता हूँ, पर टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता, इससे डीमोटिवेट सा रहता हूँ, जिससे और टाइम बर्बाद कर देता हूँ। भविष्य बुराना आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम आपका। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है लोगों में। ठीक है, कि टाइम आप यूज़ नहीं कर पाते होंगे, इससे और डिमोटिवेट हो जाते होंगे, और ज़्यादा टाइम खराब हो जाता होगा। ठीक है, आप वही कीजिए, योगा मेडिटेशन ये सब कीजिए। ठीक है, तभी कंट्रोल होगा वो सब चीज़। ये सब बेसिकली माइंड गेम है। ठीक है, आप लोगों का माइंड आप लोगों पे हावी हो जाता है, हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको माइंड पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं सौरभ, बहुत चीज़ आप अभी तक नहीं किए हैं, कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ेगा ना। मेडिटेशन करने का टेक्निक्स अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारा टेक्निक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, किसी भी तरह तैयार। अरे पता है ना, इतना तो पता है ना कि मेडिटेशन में बस ऐसे बैठ के और ऐसे करके आँख बंद कर लिया जाता है। यही कर लीजिए, डेली यही कीजिए, कुछ दिन में अपने आप समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, कुछ दिन चुपचाप बैठ के आँख बंद करके क्रश को याद कीजिए, उसी से मेडिटेशन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, गौतम बुद्ध वगैरह का पोज नहीं देखे हैं? ऐसे बैठे रहते थे और ऐसे करके आंख बंद किए रहते थे, उसी पोज में बैठ जाना डेली डेली। ठीक है,
सर मैं प्लस का स्टूडेंट हूँ पर सर मैं 3 सब्जेक्ट साथ में नहीं हो रहा है सर, तो कितने सब्जेक्ट साथ में लेके पढ़ना चाहिए? 2 तो कम से कम पढ़ना चाहिए, 2 से कम में तो काम नहीं चलेगा, तो 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, कम से कम 2, ठीक है ना? कम से कम 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है? आई होप सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बहुत लोगों को, ठीक है? सो ये वीडियो देखिएगा। एक और चीज बताएं आप लोगों को इंटरेस्टिंग, एक नया चीज बताएं, कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा सुन के, बताएं। बोलिए, इंटरेस्टेड हैं तो बोलिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, दो चीजें होती हैं, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को डेवलप करना और अपने आप को एक्सप्लोर करना, ठीक है? अपने आप को डेवलप करना और अपने आप को एक्सप्लोर करना, ठीक है? दो चीजें होती हैं, क्लियर? आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है? आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको खेलने में बहुत मन लगता है, ठीक है? आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको खेलने में बहुत मन लगता है, लेकिन आप खेले नहीं लाइफ में ज्यादा, बचपन में खेले, उसके बाद फिर खेलना छोड़ दिए और पढ़ाई फिर खूब किए, ठीक है? मन नहीं लगता है लेकिन एग्जाम निकालने के लिए खूब पढ़े और आप एग्जाम भी निकाल लिए, बताइए आप अपने आप को एक्सप्लोर किए हैं या डेवलप किए? आप अपने आप को एक्सप्लोर किए हैं या डेवलप किए हैं? एक्सप्लोर किए हैं या डेवलप किए? डेवलप किए? किए डेवलप? आपको बचपन में खेलने में मन लगता था, ठीक है? और स्कूल भी आप जाते थे, ठीक है? पढ़ने में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, आप खेलने में ही लग गए और धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ ही दिए, ठीक है? और खेल में बहुत आगे चले गए, ठीक है? खेल में ही मन लगता था और उसके कारण दूसरा चीज आपको डिस्टर्ब करता था, आप उसी चीज में बहुत आगे चले गए। आप अपने आप को डेवलप किए या एक्सप्लोर किए? डेवलप किए या एक्सप्लोर किए? एक्सप्लोर किए, ठीक है? तो डेवलप और एक्सप्लोर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। कौन ज्यादा आसान है, कौन सा ज्यादा आसान है, डेवलप करना या एक्सप्लोर करना? कौन सा ज्यादा आसान है, डेवलप करना या एक्सप्लोर करना? बताइए, डेवलप करना या एक्सप्लोर करना? इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्सप्लोर करना इज ऑलवेज इजियर देन अपने आप को डेवलप करना, ठीक है? और किस में आपको ज्यादा सक्सेस का चांस लगता है, ज्यादा सक्सेस का चांस किस में लगता है, एक्सप्लोर करने में या डेवलप करने में? ज्यादा सक्सेस का चांस किसको करने में लगता है, एक्सप्लोर करने में या डेवलप करने में? अपने आप को डेवलप करके बनने में या अपने आप को एक्सप्लोर करने के, ठीक है? दुनिया में आप जितने भी बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, ठीक है, एकदम टॉप लेवल पे, हर फील्ड के टॉप लेवल पे, वो लोग एक्सप्लोर करके वहां पे पहुंचे हैं या ये वो लोग अपने आप को डेवलप करके पहुंचे हैं? वो लोग अपने आप को एक्सप्लोर करके पहुंचे हैं या डेवलप करके पहुंचे हैं?
समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आप इंटरेस्ट वाले फील्ड में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जब आप इंटरेस्ट वाले काम में रहते हैं ना, तो आपको कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, आप एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, तो आपका टाइम का यूटिलाइजेशन ये वो सारा चीज़ बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप में प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है, लेकिन डेवलप करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, डेवलप करके भी चीज़ें हासिल होती है, बट बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, ठीक है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लोर करना नहीं सिखाया जाता है बचपन से, यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लोर करना नहीं सिखाया जाता है कि हमको क्या अच्छा लगता है और हमको क्या करना है, ठीक है, ये नहीं सिखाया जाता है, हम लोगों को स्कूल कॉलेज सोसाइटी ये बता देता है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये करोगे तभी तुम अच्छे पोजीशन पे कहलाओगे, और हम लोग उसके क्रॉस्पॉन्डिंग अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, वो चीज़ हासिल करने के लिए हम लोग अपने आप को डेवलप करने लगते हैं, और डेवलप करते 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 हम लोग अपना बहुत एनर्जी देते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट बहुत कम मिलता है, होता है या नहीं? समझ में आया? क्लियर? सो यही होता है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, तो डेवलपिंग कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जो सोसाइटी होता है, वो हमेशा आदमी को डेवलप करना सिखाता है, ना कि एक्सप्लोर करना सिखाता है, यही रीज़न है कि हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कम करते हैं, हम लोग अपने आप को डेवलप करने पे लगे रहते हैं, और डेवलप करने में हम लोगों का एनर्जी बहुत वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्लियर? सो डेवलप और एक्सप्लोर में डिफरेंस अगर समझ में आ गया हो ना, हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को एक्सप्लोर करने का, ना कि अपने आप को डेवलप करने का, हमेशा लाइफ में कोशिश कीजिए अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, हर एक आदमी यूनिक है, हर एक आदमी यूनिक है, द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, समझ में आया? हर आदमी यूनिक है, बस उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसको यूज कीजिएगा, इतना देर सुने हैं इसको एडवांटेज लीजिएगा, देखिए लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और इसको यूज कीजिए, क्लियर? ओके, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को सेम टाइम में 7 PM, मंडे सेम टाइम 7 PM, केमिकल वाला आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके, गुड नाइट।